देश दुनिया में ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियो से जनता को एंटरटेन करने का काम करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ने तो कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से उन्हें पुलिस की हवा खानी पड़ गई। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने कुकर्मों के चलते काल कोठरी तक जाना पड़ा। जितेंद्र, जिन्हें जीतू जान के नाम से जाना जाता है, मुंबई के मशहूर यूट्यूबर हैं। YouTube पर इनके 2,84,000 सब्सक्राइबर हैं। जीतू जान को हाल ही में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीतू पर अपनी ही पत्नी के मर्डर और घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जीतू की पत्नी कोमल अग्रवाल का शव पंखे से लटका मिला था। जीतू के ससुराल वालों का उन पर आरोप है कि जीतू रोजाना कोमल के साथ मारपीट करता था। कोमल की मां और बहन के आरोपों के बाद जीतू पर हत्या, हत्या के लिए उकसाने, मारपीट करने की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के रहने वाले गौरव शर्मा, जिन्हें सोशल मीडिया पर गौरव जोन के नाम से जाना जाता है, अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। गौरव जोन फेम यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पर 4.17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गौरव की फैन फॉलोइंग भी कमाल की है, लेकिन हाल ही में गौरव ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 21 मई 2021 को गौरव ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में गौरव अपने पालतू कुत्ते डॉलर को गुब्बारों के साथ बांधकर हवा में उड़ाते देखे गए। इसके बाद पशु क्रूरता के चलते इन पर कार्रवाई शुरू हो गई। विवाद बढ़ने के बाद गौरव ने हालांकि YouTube से वीडियो डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी, लेकिन पुलिस ने पशु क्रूरता का केस दर्ज करके मालवीय नगर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कभी कभी यूट्यूबर्स अपनी हवाबाजी में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो देश के नेताओं को हजम नहीं होता। अब हो भी क्यों, जिस चीन के प्रोडक्ट्स को हम बैन कर रहे हैं, अब उसी चीन को अगर हम अपने राज्य को देने की बात करेंगे तो जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। अब तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, पारस ऑफिशियल के नाम से मशहूर यूट्यूबर पारस सिंह की, जिन्हें 26 मई 2021 को पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पारस के यूट्यूब पर 4,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वो अपने चैनल पर गेम बेस्ड थीम पर वीडियोस बनाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले पारस ने एक वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया था। यही नहीं, पारस ने अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग इरिंग के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो विदेशी नागरिक हैं। फिर क्या था, अरुणाचल प्रदेश में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पारस ने माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी उन्हें पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इजिप्ट के रहने वाले अहमद हसन और जैनब हसन बहुत मशहूर यूट्यूबर्स हैं। इस कपल के यूट्यूब चैनल पर 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये कपल अक्सर अपने चैनल पर अपने बेबी को लेकर फनी वीडियोस बनाते हैं। हालांकि इसी फनी बिहेवियर के चलते अहमद और जैनब ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। यही नहीं, प्रोसिक्यूशन के द्वारा उन पर केस भी फाइल किया गया। दरअसल सितंबर 2020 में इस कपल ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में जैनब को अपना मुंह काला कर दिया गया और अपने एक साल की बेबी गर्ल के पास जाकर उसे डराने की कोशिश की। इस दौरान उसकी बच्ची इतना डर गई कि वो रोने लगी। वीडियो देखने वालों ने बेबी गर्ल की रोने वाली तस्वीर का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया और उस कपल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तस्वीर वायरल होने के बाद ये मामला प्रोसिक्यूशन के पास पहुंचा, जहां केस फाइल होने के बाद मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कपल का कहना था कि उन्होंने अपनी बच्ची के साथ सिर्फ मजाक किया था। हालांकि प्रोसिक्यूशन की नजरों में ये शोषण था। आजकल सोशल मीडिया पर प्रैंक करना और जेल जाना काफी आम बात है, खासकर की वाइटले जडोर वैटसेकली के लिए। वाइटली का यूट्यूब पर वाइटली जड टीवी नाम का चैनल है जिस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वाइटली प्रैंक वीडियोस पोस्ट करते हैं जिसके चलते उन्होंने कई बार जेल की हवा खाई है। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया, लेकिन अप्रैल 2020 में वाइटली ने एक ऐसा प्रैंक कर दिया कि उन पर हमला करने का आरोप लगा था। दरअसल मियामी बीच में एक महिला सुबह जॉगिंग कर रही थी। इसी बीच वाइटले को प्रैंक करने का मन आ गया और वो उस महिला के सामने अपना हाथ खोलकर उसे पकड़ने के लिए कूद गए। यही नहीं, वाइटली ने महिला को जमीन पर पटक दिया और उसके चेहरे व सीने पर कई मुक्के मारे। इस वजह से महिला की दाहिनी आंख पर 2 इंच का घाव हो गया। इसके बाद पीड़ित महिला ने वाइटली के खिलाफ केस दर्ज करवाया और बेचारे वाइटली को जेल की हवा खानी पड़ी। वैसे वाइटली के लिए तो ऐसा प्रैंक और जेल आम बात है। 15 अगस्त 2020 को केरल के रहने वाले विजय पी नायर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसने कहा था कि भारत में नारीवादी अंडरवियर क्यों नहीं पहननी है।
इस वीडियो में उसने 86 साल की कवि और कार्यकर्ता सुगाधा कुमारी और भाग्यलक्ष्मी सहित कई महिलाओं पर निशाना भी साधा। साथ ही महिला अधिकारों के लिए काम कर रही महिलाओं का अपमान किया था। इसकी बड़े स्तर पर निंदा हुई थी। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर विजय नायर को जमकर पीटा था। इस मामले के बाद विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय पी नायर यूट्यूब ब्लॉगर है जो बहुत गलत और अश्लील संबंधी सामग्री बनाने और शेयर करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, नायर का दावा है कि उसने चेन्नई की ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD की है। साथ ही मनोचिकित्सक पर प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि ये अक्सर अपनी वीडियो में अवांछित, अवैज्ञानिक और अक्सर सेक्सिस्ट सलाह देते हुए पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जनवरी 2020 में कनाडा के फेमस यूट्यूबर जेसन ईथर, जिन्हें IMJ स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जेसन के 5.4 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। वे अपने चैनल पर कई प्रैंक वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी फेक और बेसलेस प्रैंक वीडियो। हालांकि एक बार तो जेसन ने हद ही कर दी। अपने चैनल पर सब्सक्राइब पाने के लिए जेसन ने अपनी गर्लफ्रेंड को मरा हुआ घोषित कर दिया और रोते हुए यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया ताकि सिंपैथी के चलते उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। लेकिन जेसन की इस हरकत ने उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल जिस गर्लफ्रेंड को मरा हुआ घोषित कर रहे थे वो जिंदा थी और उसने जेसन के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब जेसन को ऐसा सबक मिला हो, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उन पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। फेमस यूट्यूबर मोनालिसा पेरेज एक फैशन ब्लॉगर थी, लेकिन बाद में अपने बॉयफ्रेंड पेड्रो रुइज़ के साथ मोनालिसा ने कुछ अलग करने का सोचा और उसने प्रैंक चीजों पर वीडियो बनाना शुरू किया ताकि उनके यूट्यूब चैनल को और हाइप मिले। प्रैंक वीडियो का सिलसिला सही चल ही रहा था कि इनके दिमाग में खुराफात सूझ गई। दोनों ने एक्सपेरिमेंट करते हुए सीने पर बुक रख कर उस पर गोली चलाने की सोची। मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड पेड्रो के सीने पर इंसाइक्लोपीडिया की बुक रखी और गोली चला दी। उन्हें लगा ये गोली उनके सीने पर नहीं लगेगी और बुक से टकरा जाएगी, लेकिन दोनों ने गोली की ताकत को समझा ही नहीं। फिर क्या था, मौके पर पेड्रो की डेथ हो गई और मोनालिसा को जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि मोनालिसा ने बाद में गवाही देते हुए कहा कि आइडिया पेड्रो का ही था, जिसकी वजह से मोनालिसा को सिर्फ 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। ये मामला 2017 का था। जेल से छूटने के बाद मोनालिसा ने फिर से यूट्यूब पर वापसी कर ली है। फरवरी 2021 को क्राइम ब्रांच की साइबर पुलिस ने यूट्यूब चलाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी प्रैंक के नाम पर अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते थे और सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए कमाते थे। ये तीनों लड़कियों को एक्टिंग के नाम पर बुलाते थे और उन्हें एक्टिंग के लिए 500 से 1500 रुपए दे देते थे। इसके बाद ये लोग अश्लील वीडियो बनाने के लिए पब्लिक प्लेस जैसे कि बैंडस्टैंड, रॉक गार्डन, कार्टर रोड और कई दूसरे BMC के मैदानों में ले जाकर वीडियो बनाते थे, जहां पर ये वीडियो शूट हो जाता था और फिर इसे YouTube पर अपलोड कर देते थे। जांच में पता चला इन वीडियो पर इन्हें लाखों व्यूज मिलते थे, जिससे इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। हैरानी की बात तो ये है कि इन यूट्यूबर्स के एक दो नहीं बल्कि 17 यूट्यूब चैनल्स थे। एलन और एलेक्स स्टॉक्स दो मशहूर यूट्यूब प्रैंकस्टर्स हैं जो इंटरनेट पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए मजाकिया प्रैंक वीडियो बनाते हैं। हालांकि इन दो जुड़वां भाइयों पर उनका यही काम भारी पड़ गया। दरअसल इन यूट्यूबर भाइयों ने अक्टूबर 2019 में इंटरनेट पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए बैंक डकैती जैसे संगीन अपराध का एक फेक वीडियो बनाकर साझा किया। ये मामला कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी के इरविन शहर का है। ऑरेंज काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इन दोनों भाइयों पर आरोप पेश किए, जिसमें कहा गया यदि स्टॉक्स भाइयों पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दोनों को अधिकतम 4 साल की जेल होगी। हालांकि इस तरह के प्रैंक के चलते उन पर कड़ी कार्रवाई की गई और दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। इन भाइयों को स्टॉक्स ट्विंस कहा जाता है, जिनके यूट्यूब चैनल पर 4.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा, कुछ यूट्यूबर्स जोश जोश में खुद को मुसीबत में डाल ही देते हैं। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें।